नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं बारस मर्जा। नमस्कार, मंथनमन में आपका स्वागत है। मैं बारस मर्जा। जी, आज हम बात कर रहे हैं बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी। जी हाँ, मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई गई है और उसके छोटे बेटे उमर पर NBW कोर्ट ने जारी किया है। आपको बता दें, उमर अंसारी काफी वक्त से फरार चल रहा है, अब पुलिस उसकी धर पकड़ तेज कर दी है। तो आइए आपको बताते हैं कि उमर के खिलाफ पुलिस क्या क्या कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। उधर पिता को जेल, इधर बेटे के खिलाफ NBW चार। अंसारी परिवार पर पुलिस का शिकंजा। अंसारी परिवार के आज का दिन काफी मुश्किल भरा रहा। गैंगस्टर मामले में मुख्तार और उसके भाई अफजाल अंसारी को 10 और 4 साल की सजा सुनाई। वहीं मऊ कोर्ट ने मुख्तार के छोटे बेटे उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां एक तरफ आज गाजीपुर के MPMLA कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है, वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी मऊ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मुख्तार के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ा दी हैं। मऊ के कोर्ट में मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई और उमर अंसारी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उसके गिरफ्तारी की कार्य योजना तैयार कर रही है।